हे गाइस, दिस इज उमर एंड वेलकम टू उमर्स टेक्निकल क्लास। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एडोब लाइटरूम ऐप का पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। बिल्कुल डिटेल ट्यूटोरियल मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या है, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एडोब लाइटरूम से अपनी फ़ोटो पर चार चांद लगा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एडोब लाइटरूम पर एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने इसका डिटेल ट्यूटोरियल बनाया है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस ऐप की मदद से अपनी फ़ोटो पर चार चांद लगा सकते हैं, मतलब अपनी फ़ोटो को काफ़ी अच्छी तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। जो भी फ़ोटो आपने क्लिक करी है, आपको उस फोटो को अगर इन्हेंस करना है तो ये ऐप काफ़ी बढ़िया होता है। अगर आपकी फ़ोटो बिल्कुल डल भी आई है तो भी ये आपकी फ़ोटो को बिल्कुल अमेजिंग बना सकता है, बहुत ही अच्छा बना सकता है। तो फिर देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, एडोब लाइटरूम ऐप आपको प्ले स्टोर पर काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च बार पे जाना है, आपको सर्च करना है एडोब लाइटरूम, ये काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद इस तरह का ये ऐप आपके मोबाइल में आ जाएगा। फिर आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये है इसका होम पेज। होम पेज में वो आपसे बोलेंगे कि आप कोई ट्यूटोरियल लर्न कर लीजिए जिससे कि आप अच्छी फ़ोटोज़ एडिट कर पाएँ। अगर आपको लर्न करना है तो आप कर सकते हैं। तो एनीवेज़, यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी ऑल फ़ोटोज़, जितनी भी फ़ोटोज़ मैंने यहाँ से एडिट करी हैं, वो सारी की सारी फ़ोटोज़ ये हैं। तो जो भी फ़ोटो आपकी डल आई है, आप उसे ब्राइट कर सकते हैं। कोई भी फ़ोटो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरी ये जो फ़ोटो है, इस पर थोड़ी सी सनलाइट आई हुई है जिसकी वजह से ये फ़ोटो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। तो इसे मैं कर दूंगा थोड़ा सा ब्राइट, थोड़ा सा इसे अच्छा कर दूंगा, क्रिएटिव कर दूंगा, जैसे कि ये फ़ोटो देखने में काफ़ी अच्छी लगे। साथ ही में गाइस, आप ये वाली फ़ोटो भी देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छी फ़ोटो आई है एंड मैंने इसे एडिट नहीं किया है, ये एडिट नहीं हुई है एंड मैंने इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया बिना एडिट किए। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है फ़ोन की, बट उस फोटो पे सनलाइट आ रही थी, इस फोटो पे सनलाइट नहीं आई, इसलिए ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई है। उस फोटो पर सनलाइट आई थी जिस वजह से वो फ़ोटो थोड़ी सी डल हो गई। एंड गाइस, आप यहाँ पर मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। तो ये जो फ़ोटो है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है, ये वाली भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी इन्हेंस लग रही है एंड ये वाली भी, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं। एंड अगर आप वहाँ पर आप देखेंगे तो इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। तो अब मैं इस फोटो को एडोब लाइटरूम में सेंड कर देता हूँ। तो हमें बेसिकली सेंड पर क्लिक करना है, देन एडोब लाइटरूम में इसको सेंड कर देना है। फ़ोटो सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है, हमें अपने एडोब लाइटरूम पर जाना है। तो यहाँ पर हम आ गए अपने ऐप में। तो जैसे ही आप एडोब फोटोशॉप लाइट रूम में आ जाओगे, उसके बाद आपको ऑल फोटोज़ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको एक फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, अभी आप यहाँ पर मेरी फ़ोटो देख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी डल डल सी ये फ़ोटो है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो एनीवेज, शुरू करते हैं हम लाइट से। तो सबसे पहले हमें अपनी फ़ोटो की लाइट बढ़ाना है। तो एक्सपोजर आपको अपने हिसाब से सेट करना है। मैं आपको कोई एक्यूरेट नंबर नहीं बताऊंगा कि आप इतना नंबर सेट कर दीजिए, अपने हिसाब से आपको सेट करना है, इतनी तो इतनी, इतनी तो इतनी। तो अपने हिसाब से आपको अपना एक्सपोजर सेट कर देना है, जितनी भी आपको ब्राइट करना हो, ज़्यादा ना करें वरना वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। फिर हमें अपना कॉन्ट्रास्ट सेट करना है। तो ये अपन ने अपना कॉन्ट्रास्ट सेट कर लिया। एंड फिर हाईलाइट शेडोज़, ये अगर आपको सेट करना है तो आप कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं कलर के ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये हमने टेम्प अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप कर सकते हैं, देन टिंट भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो एनीवेज, अब आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ब्लैक एंड वाइट भी हो जाएगा। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं रखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब हमें क्लिक करना है मिक्स पर। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा मिक्स। मिक्स पर जब आप क्लिक करेंगे, फिर आपको कलर वाइज अगर अपनी फ़ोटो को, लाइक मैंने यहाँ पर रेड कलर अभी चूज़ किया, तो इस तरह से आप इसे एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं अंडो कर दूंगा, तो ये रेड कलर भी अंडो कर दूंगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप कलर मिक्स से करें। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ये आपने क्लिक कर दिया। फिर गाइज, आपको ह्यू पर क्लिक करना है एंड देन आपको अपने स्काई पर क्लिक करके इसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस, एज यू कैन सी कि हमारा जो स्काई है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले ये ब्लू था, अब थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो गया है।
अब गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा जीन्स है एंड यहाँ पर जो मेरी कॉलर है, कार का ग्लास है, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो इसको आप पिक्सआर्ट ऐप से सही कर सकते हैं। तो एनीवेज अगर आपको इस तरह से नहीं रखना है तो आप नहीं भी रख सकते हैं, तो मुझे नहीं रखना है तो मैं यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ। हमारी फ़ोटो ब्राइट ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपको अपनी फ़ोटो को सिर्फ ब्राइट करना है तो आप ब्राइट भी कर सकते हैं, एंड अगर आपको कुछ और एडिटिंग करना है तो आप और एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि आपको बस स्काई पर क्लिक करके अपने ह्यू को कर देना है। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया। एंड देन जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका ल्यूमिनेंस। तो आपको अपने फेस पे थोड़ा सा जूम करके ऐसे क्लिक करके आपको ल्यूमिनेंस को ज़रा प्लस कर देना है, जिससे कि आपका फेस ज़रा अच्छा लगे। तो जो ऑब्जेक्ट है यानी जो अपन है वो थोड़े अच्छे लगने चाहिए। तो एनीवेज आप ज़्यादा ना करें, अगर कुछ ज़्यादा ही है डल तो आप ज़्यादा करें, बट थोड़ी कम डल है तो आप इस तरह से कर दें। तो ये हो चुका है कम्प्लीट। एंड अभी एक और काम बाकी है, तो यहाँ पर मैंने ह्यू पर फिर से क्लिक कर दिया, एंड देन फिर से हम इसे कर देते हैं सेट। तो यहाँ पर मैंने इस फोटो को थोड़ा सा और अच्छा कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो हो गया हमारा कलर मिक्स तैयार। एंड देन आप सेचुरेशन पर क्लिक करके हमारे इसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं ग्रीनरी को। तो यहाँ पर भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, एंड देन इसको कम भी कर सकते हैं, माइनस में लगा सकते हैं, लाइक आप इसको कम भी कर सकते हैं इस तरह से। जो आप फोटोज़ देखते हो इस टाइप के इफेक्ट, जो आप ट्रीज पर देखते हो इस टाइप के इफेक्ट, ज़मीन पर देखते हो वो इसी तरह से होती है। तो आप सैचुरेशन को घटा भी सकते हो एंड बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया हल्का सा। तो इस तरह से हमारी फ़ोटो काफ़ी एनहेंस हो गई है। अब मैं आपको डिफरेंस चेक कराता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे अंडो कर दिया, एंड देन हम इसे डन कर लेंगे। अब मैं आपको डिफरेंस, सो गाइस ये थी हमारी रियल फ़ोटो जो कि हमने कैप्चर की थी, एंड ये हमारी एडिटेड फ़ोटो कितनी बढ़िया लग रही है। अगर हमें जीन्स का कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो वो मैं अभी चेंज कर देता हूँ। तो इन 1, 2, 3 सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जीन्स का कलर चेंज कर लिया है, कॉलर का कलर चेंज कर लिया है, एंड बिल्कुल परफेक्टली चेंज कर लिया है, एंड ब्लू ही किया है, एंड मेरा स्काई जैसा का जैसा ही है जैसा पहले मैंने एडिट किया था एडोब लाइटरूम से। तो कुछ इस तरह से आप अपनी फ़ोटो को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो, मतलब बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो बना सकते हो। और भी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एडिटिंग अगर आपको जानना है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ये मैंने बताया कि आप डल से बिल्कुल ब्राइट और बिल्कुल अच्छी कैसे बना सकते हो, एंड ओवर एडिट भी नहीं लग रही है गाइस। काफ़ी सारे लोग फ़ोटो ऐसी एडिट कर लेते हैं बिल्कुल ओवर एडिटिंग लगती है, मतलब गाइस अजीब सी खाल एंड बाल वगैरह बिल्कुल ओवर एडिट कर देते हैं वीडियो को, तो वो बिल्कुल भद्दी लगती है देखने में। बिल्कुल अच्छी हो, देखने में अच्छी लगे, ज़्यादा ओवर एडिट ना लगे, वही फ़ोटो बहुत अच्छी लगती है। एंड गाइस मैंने अपने कपड़ों का कलर चेंज कैसे कर लिया, अगर आपको वो वीडियो देखना है, उसके बारे में जानना है कि मैंने ये कैसे किया, तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड रिव्यू बना दूंगा। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन अनदर वीडियो।